सर ये वो मेक इन इंडिया चीज है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी, और हमारी एक टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी होती है कि हमें विदेशी माल ज्यादा समझ में आता है। अभी पूरी दुनिया में हम लोग सोच रहे स्पूतनिक कमाल करेगी, और जिनके पास नहीं मिली है, जिनको पता नहीं है, वो बोल रहे हैं फाइजर की वैक्सीन और अच्छी हो जाएगी। आपको नहीं लगता इसका पेनिट्रेशन खासकर उन स्टेट्स में जहां पर स्ट्रेटेजिकली जहां पर अभी बहुत ज्यादा कोरोना है वहां पर इसका वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेज करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें सिर्फ 28 दिन के बाद दूसरा डोज मिलता है, फिर इसके वेरिएंट्स कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स में उस पर असर कर रहा है। देखिए आपका बहुत अच्छा निशांत, आपकी एक क्वेश्चन का जवाब दे रखिए, आपने कहा था 6 महीने हो चुके हैं कि हर इम्यूनिटी काम करेगी, उसका जवाब देना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात पूछी थी कि जिनके 6 महीने निकल चुके हैं और हर इम्यूनिटी आती भी है तो क्या फायदा होगा कि नहीं होगा, इसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं तो कह रहा हूँ जैसे मैंने फरवरी में सेकेंड डोज लगाई थी वैक्सीन और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में 6 महीने निकल चुके होंगे, क्या मेरी एंटीबॉडीज रहेंगी नहीं रहेंगी, इसका जवाब WHO के पास भी नहीं है और भारत के पास भी नहीं है। तो भी अभी वेट एंड वॉच, हो सकता है 6 महीने बाद हम लोग को फिर से थर्ड बूस्टर लगानी पड़े। अब अलग बात है, आपने कोई वैक्सीन का कोवैक्सीन इज आवर ओन प्रोडक्ट, इसे भारत बायोटेक प्लस ICMR इसमें किल्ड वायरस एक्यूनेटेड वायरस जो कि इनोकुलेट कर दिया जाता है। ये पुरानी एक पद्धति चली आ रही थी, कई वैक्सीन पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होती रही है, जबकि mRNA जो फाइजर की है और मॉडर्ना की वैक्सीन है दोनों बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है। कमिंग टू कोविशील्ड, कोविशील्ड जो है वो अलग तरीके की वैक्सीन है जिसके अंदर चिंपांजी के वायरस लेके स्पाइक होती है। अब ये बाकी बात है कि कोवैक्सीन क्योंकि कोल्ड किल्ड वायरस पूरा वायरस है और स्पाइक प्रोटीन्स आर देयर एंड ऑल्दो सेल इज ऑल्सो देयर, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि दिस कैन बी मोर एफिकेशियस। जब अमेरिका ने भी कह दिया तो हम लोग विश्वास करेंगे, पहले अपने को विश्वास नहीं कर रहे थे, ईस्ट वेस्ट इज द बेस्ट हम लोग सोचते रहे हमेशा से। तो ये वैक्सीन आपका क्वेश्चन है क्या कोवैक्सीन का ज्यादा इस्तेमाल करा जाए रूरल एरिया में, ये देखिए ये बड़ा मुश्किल है इसको बारे में इसका जवाब देना। ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड इज नॉट वर्किंग, कोवैक्सीन इज वर्किंग ऑल्सो ऑन डबल म्यूटेंट वायरेंट्स, और ये भी हमने देखा है कुछ पेशेंट्स में हमारे जान पहचान की है जिन्होंने कोवैक्सीन लगाई थी उसके बाद भी उनको हुआ है न्यू इन्फेक्शन। सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि हमारी कोवैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा है, केवल भारत बायोटेक पर डिपेंडेंट ना रहे, बाकी कंपनीज को भी इसके फॉर्मूले दिए जाए, देशों जो और वैक्सीन बनाती है, नॉट टॉकिंग ऑफ XYZ, कोई ऐसा नहीं है समथिंग टॉम नॉट टॉम डिक एंड हैरी, बट एनीबॉडी हु हैज गॉट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर हमने सोचा है कि 2000 हमारे बाहर से इम्पोर्ट हो जाएगी, उन्होंने कल अगर मना कर दिया, सपोज करिए अक्टूबर में मना कर देते हम नहीं देंगे, जो तो 210 करोड़ का हमारा जो वादा है और दावा है दोनों है कि हमारे पास दिसंबर। डॉक्टर साहब आपका टूट गया है, आई एम सॉरी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। लिहाज से कुमार कुंदन एक डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर प्लीज कुछ बताइए, आप बोल रहे थे। हाँ देखिए बहुत बहुत अच्छी बात है, UN और WHO ने भी G7 को भुगती है, सीने में दर्द, सांस की तकलीफ, पेट में दर्द, कमजोरी की दिक्कत भी हो रही है, ये भी ऐसे है, ये सारी जानकारी मैं चाहूंगा खाली इस ग्राफिक के साथ डॉक्टर गुप्ता के पास। डॉक्टर गुप्ता अब लोगों के मन में थोड़ा खौफ आ सकता है, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप ही हमें बताएं क्या किया जाए। कोविड शील्ड को लेकर कुछ साइड इफेक्ट्स की बात आ रही है सामने, इज इट नेचुरल? देखिए ऐसा है कि वैक्सीनेशन जब रेजिस्टेंसी को कहते हैं, काफी शुरू में जब हम वैक्सीन 16 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर इनॉग्रेट किया, उसके बाद शुरुआत में काफी लोग इनफैक्ट डॉक्टर भी सोचते थे कि लगवाया कि ना लगवाया, लगवाया कि ना लगवाया, तो यह स्थिति धीरे धीरे कभी खत्म हो गई। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI एक नया टर्म जो पुराना था लेकिन अब पब्लिक की जबान पे आ गया। यूरोपियन कंट्री ने देखा गया कि ब्लड क्लॉटिंग कहाँ हुई है, ब्लड क्लॉटिंग हुई है पैर की नसों में जिससे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ये वहां देखा गया और कुछ और जगह भी क्लॉट देखेगा, लेकिन दैट वाज उसी वजह से यूरोप में कई कंट्रीज ने इसको थोड़े दिन के लिए होल्ड कर दिया। ये क्यों हो रहा है इसका कारण अभी किसी को नहीं पता। तो कोविशील्ड इज वेक्टर जनरेटेड वैक्सीन फ्रॉम चिंपांजी वायरस, उसमें स्पाइक प्रोटीन लगा दी गई है। वायरस इटसेल्फ जो कोरोना वायरस है इटसेल्फ इज थ्रोम्बोजेनिक, इसीलिए हम लोग के कोरोना पेशेंट्स में हम लोग अब ब्लड थिनर्स देना अनिवार्य कर दिया है, और खास करके सीरियस जिनका सैचुरेशन के भी लगता है उनको तो डी डाइमर। मैं आपको रोकूंगा और हमारे सभी मेहमानों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा, हमारे शो को वाइंड अप करने का समय आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया।